ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 32वां अध्याय कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले बता दूं, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम कार्तिक मास की कथा का 32वां अध्याय कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखावा हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इस भयंकर नरकों को देखो, जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंध कर्मिश नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तपोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह देखो, ये तीसरा कड़कय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी और आड़े से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अश्मीय, त्रवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। दो प्रिय जनों का बिछोह कराने वाले मनुष्य भी अस्मिन्त्रिन सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अगर्ल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटसालिक नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है, पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्लव नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो, यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। यह ब्राह्मण यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौड़ो नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं, वह सुखी और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं, वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म या अर्ध भेदों से यह पाक 2 प्रकार के होते हैं। इनकी अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण पाठ का ते माली कीर्ण जाति भ्रष्टकर्ण उपाय अति पाप महापाप यह 7 प्रकार के महापातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का यह व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसकी मदद करता है, सेवा करता है, कथा को सुनता है, सुनाता है, उसे अवश्य सब पापों से मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमारी कार्तिक मास की कथा का 32वां अध्याय कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए, तीज त्यौहार पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माता दी।